हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाई टी किंग पंकज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं शायद ही किसी यूट्यूबर ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप लोग चुटकुले वाली वेबसाइट यानी कि जोक्स वेबसाइट बना करके उस पर एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हो और उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए पहले लाइव प्रूफ दिखा देते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है sms.hindijokes.co। ठीक है, तो इस पर देख सकते हैं इन्होंने केवल क्या करें, चुटकुले डाले हैं कुछ एक दो ऐसी करके, और यहाँ पर इन्हें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। जैसे कि यहाँ पर आप एडसेंस की ऐड देख सकते हैं, गूगल के विज्ञापन। ठीक है, मैं इस पर अपना माउस कर्सर लेकर के आया तो यहाँ पर हमें दिखाई दे दिया। उसके बाद दोस्तों एक वेबसाइट और है जिसका नाम है 123hindijokes.com। ठीक है, इस पर भी एडसेंस का अप्रूवल मिला है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग गूगल में सर्च करते हैं हिंदी जोक्स या जोक्स इन हिंदी, चुटकुले इन हिंदी, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी वेबसाइट ओपन होती है, सबसे पहले अमर उजाला की, मतलब कि जितनी भी न्यूज़ वाली वेबसाइट है ना वो ओपन हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेंड जो अपनी वेबसाइट होती है वो करीब 3-4 नंबर पर आती हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद की वेबसाइट बना करके उसको रैंक करा सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स इस चीज़ पर बहुत ही कम लोग वर्क करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो वेबसाइट हैं वो केवल न्यूज़ वाली शो हो रही हैं, और कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि 123hindijokes.com, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा वर्क किया और उनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर 3-4 नंबर पर शो हो रही है, रैंक कर रही है। तो दोस्तों आप भी अगर इस चीज़ पर वर्क करोगे ना तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर डेफिनेटली शो होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारा काम आपको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपके लिए एडसेंस का प्रूफ मिलेगा। और कॉपी पेस्ट करना कहाँ से है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको केवल 100% में से 20 से 30% ही मेहनत करनी है, बाकी सारा काम यहाँ पर कॉपी पेस्ट का है। तो सारा काम कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। ठीक है, कहीं से भी स्किप मत करना। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सकें। और फ्रेंड्स प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डेली लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक मैंने वेबसाइट बनाई थी करीब 1 से 2 मंथ पहले। ठीक है, तो यही सेम टू सेम थीम हम यूज़ करने वाले हैं, और यही थीम हमने किस में यूज़ की थी, अपनी लिरिक्स वेबसाइट में भी हमने यही थीम को यूज़ किया था। ठीक है, और आई थिंक आप भी लोग लिरिक्स वेबसाइट पर वर्क कर रहे हो, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी वेबसाइट कमेंट में दी भी हैं, तो मैंने उनकी वेबसाइट चेक करी है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट की है। ठीक है, मुझे काफ़ी खुशी होती है फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा बताए गए लोग इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हम आपको यही थीम देने वाले हैं, यही चीज़ बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है इंटरटेनमेंट ब्लॉग, यहाँ फनी जोक्स, शायरी, मोटिवेशनल कोट्स, व्हाट्सअप स्टेटस, तो इसी टाइप से हम अपनी जो है वेबसाइट बनाने वाले हैं। और ये थीम दोस्तों आप देख लीजिए, ये वही वाली थीम है जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दी थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी थीम का हम यूज़ करने वाले हैं और इसी पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी खुद की जो जोक्स वाली वेबसाइट है कैसे करके बनानी है। सारा काम कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं करना है, और एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप डेली वर्क करते हैं तो। ठीक है, डेली इस पर वर्क करेंगे, 4 से 5 पोस्ट डेली डालेंगे तो आप डेफिनेटली आपको यहाँ पर 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर एडसेंस का अप्रूवल 100% मिलेगा। तो दोस्तों इसी थीम का हम यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको इस थीम को डाउनलोड करना है। इस थीम का डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए डायरेक्टली, उस पर क्लिक कीजिए एंड इस टैब के पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना, और डाउनलोड पर क्लिक करने बाद इजीली इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस थीम का नाम है लिरिस्ट थीम, ब्लॉगर थीम, फ्री थीम है। ठीक है दोस्तों, मैं ब्लॉगर वालों के लिए बता रहा हूँ जो वर्डप्रेस पे वर्क कर रहे हैं, मैं उनके लिए अभी नहीं बता रहा हूँ, उनके लिए भी सीरीज आएगी बट वो आगे आएगी। ठीक है, अभी केवल बिगिनर्स के लिए ही बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं उन्हें किस टॉपिक पर वेबसाइट बननी चाहिए ताकि एडसेंस का अप्रूवल उन्हें मिल जाए। जब आप अच्छे लेवल पहुँच जाओ, एडवांस लेवल पहुँच जाओ, तभी आप वर्डप्रेस का यूज़ करो। ठीक है, तो दोस्तों ये थीम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी है, सॉरी कर लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये जिप फोल्डर में आपकी डाउनलोड होगी, तो सिंपली राइट बटन प्रेस करना और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये स्टेप से आ जाएगी। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको आना है अपने ब्लॉग में,
ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं दोनों थीम को। ब्लॉग में आ जाइए। ब्लॉग में आने का सिंपली आपको करना क्या है कि एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है। यहाँ पर न्यू ब्लॉग का ऑप्शन देखिएगा, इस पर क्लिक कीजिए और टाइटल में आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंटरटेनमेंट ब्लॉग। दोस्तों इंटरटेनमेंट पे गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वाई टिकिंग पंगस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी यहाँ पर यू आर एल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी वाई टी के पंकज 1234.blogspot.com और यह हमें मिल भी गया। रैंडमली हम कोई यहाँ पर पोस्ट लाइक कर लेंगे और क्रिएट ब्लॉग पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम उसी पर वर्क करते रहिए, डेफिनेटली यहाँ पर आपको एडसेंस का अप्रूवल पक्का मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है जोक्स निकालने हैं। अपने माइंड से यहाँ पर कुछ मत कीजिए, कुछ जोक वगैरह टैप मत कीजिए, यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, किस तरीके से करना है सब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप थीम पर क्लिक कीजिए और लास्ट में वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हम चूज एंड फाइल पर क्लिक करेंगे और जो हमने थीम डाउनलोड करी थी उसकी एग्जाम्पल फाइल यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। डेस्कटॉप पर मैंने डाउनलोड किया है उसको और ये रही थीम, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो एग्जाम्पल थीम है ना इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। तो फटाफट से आप ये सारा काम कर लेना, ऑलरेडी आप ये सारा काम कर लोगे, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बट जब मैं सिखाने पर आऊँ तो मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमने जो है ये थीम अपलोड कर दी है, अब हम एक बार व्यू ब्लॉक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यू ब्लॉक पर क्लिक किया, ये हमारा यूआरएल ऊपर आ गया, ये हमारी वेबसाइट का नेम आ गया इंटरटेनमेंट ब्लॉग। दोस्तों इंटरटेनमेंट में गलती है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, जल्दबाजी में कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी थीम ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये जो आपके मोबाइल में है वो किस टाइप से दिखेगी। यहाँ पर आपको साइड में मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये एसईओ फ्रेंडली थीम है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सेम टू सेम इसी तरीके से वेबसाइट बनाने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि ये साइड में जो चीज़ें हैं ना इनको आप खुद ही सेट कर सकते हो। सोशल प्लगइंग, पॉपुलर पोस्ट, फेसबुक वगैरह ये सब आप खुद ही कर सकते हो, बहुत ही इजी हो गया है। और ये काफ़ी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देख लेना। ये चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आए अपने लेआउट पर, हमें क्लिक कर देना। लेआउट पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको जो जो चीज़ें हटानी है, जैसे कि आपको सर्च दिस ब्लॉग हटाना है, जो जो चीज़ें हटानी है उनके नाम दे रखे होंगे, उनके नाम यहाँ पर आपको ढूंढ लेने हैं और सिंपली उनको डिलीट कर देना है या आप कुछ और रख सकते हैं। जैसे कि मैं सोशल प्लगिंग यहाँ पर रखने वाला हूँ तो आप भी इसको रखना है, यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट भी रख देना, फेसबुक पेज भी रखिए फ्रेंड्स। बस यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपने फेसबुक पेज का यहाँ पर नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने फेसबुक पेज का नाम देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा है www.facebook.com और स्लैश के आगे लिखा है सोरा टेम्पलेट्स, आपको इतने को रिमूव कर देना है और यहाँ पर आपको अपने फेसबुक पेज का नाम लिख देना है। जैसे कि मेरे फेसबुक पेज का नाम है ITCE गुरु, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है ITCE गुरु नाम से, तो मैं उसी का यहाँ पर फेसबुक पेज का नाम लिख दूंगा। तो आपको भी ऐसे ही कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, उसके बाद हम ये जो ऑप्शन आ रहा है ना पावर्ड बाय ब्लॉगर, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमें थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पर नीचे आने का दोस्तों कहाँ गया पावर्ड बाय ब्लॉगर, उसको हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, सर्च दिस ब्लॉग के नीचे है ये, ये रहा फ्रेंड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो सर्च दिस ब्लॉग है ना इसको उठा करके आपको करना है क्या है, इसको ले जाना है आपको ऊपर, और ऊपर ले जाने का दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप में इसको सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव अरेंजमेंट पर क्लिक कर देना है। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स ये जो होगा हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पावर्ड बाय ब्लॉगर था वो यहाँ से हट चुका है और ये हमने अपने जो फेसबुक पेज का नाम दिया था वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हमने सर्च दिस ब्लॉग को ऊपर इसीलिए रखा ताकि जो भी यूज़र आएगा वो यहाँ पर सर्च इजीली कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा काम आपको रहने देना है, जैसे कि सोशल प्लगिंग आपको रखना है, सर्च दिस ब्लॉग रखना है, पॉपुलर पोस्ट रखना है और फेसबुक पेज अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो ऊपर टाइटल आपको देख रहे हैं ना इन्हें आपको चेंजेस कर लेने हैं। किस तरीके से करने हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको लेआउट में आना है, ठीक है, लेआउट में क्लिक कर देना। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए
मेन मेन्यू करके एक ऑप्शन दिखेगा लिंक लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर दोस्तों आपको सभी मेन्यू बार मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक एक करके इन सारे चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे मल्टी ड्रॉप डाउन इसको चेंज करना है, तो मैं सिंपली करूँगा कि इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो आप चाहें तो रख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ, होम का तो हम ऐसे ही रहने देंगे। इस सबको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, इसको इसको, ठीक है। अब मैं फीचर की जगह क्या कर देता हूँ, हिंदी जोक्स कर देता हूँ, ठीक है, हिंदी जोक्स। ये लिखने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन की जगह हम कर लेते हैं शायरी, ठीक है, सेव कर दिया। और इसकी जगह हम कर लेते हैं मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है। दोस्तों स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। उसका दोस्तों हम इसकी जगह कर लेंगे व्हाट्सअप स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस, ठीक है। और सेव पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और इसको भी हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो मेन्यू बार कहाँ से चेंज करना है आपको, मेन मेन्यू में जा करके आप इसको चेंज कर लेना। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा काम है, ज़्यादा मेहनत वाला भी काम नहीं है यहाँ पर। तो हमने रिफ्रेश कर लिया, बाकी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे मेन्यू बार सारे चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं। अब दोस्तों सिर्फ हमारा काम क्या रह गया है, हमारा काम ये रह गया है केवल पोस्ट करना, ठीक है। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये पेज आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, बिल्कुल फ्री टूल मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके खुद भी चेक कर सकते हैं। और ये क्रिएटेड बाय सोरा टेम्पलेट, ये भी आपको चेक करना है, तभी दोस्तों यहाँ पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। जब आप पेजेस बनाओगे और ये क्रेडिट बाय ये हटाओगे, तभी आपको यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तभी अप्लाई करना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पोस्ट कहाँ से डालनी है, सबसे मेन पॉइंट हमारा ये आता है। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको इनेबल करना है। तो एडिट पर क्लिक कीजिए, एडिट पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी आप अपनी वेबसाइट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख देनी है। जैसे कि मैं हिंदी जोक्स, इंग्लिश जोक्स, जो जो आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है, ठीक है। शायरी, मोटिवेशनल कोट्स, व्हाट्सअप स्टेटस, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, ETC, ठीक है। उसका सिंपली आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 150 कैरेक्टर ही यूज़ करने हैं। अब ये मैंने क्यों करवाया, बिकॉज फ्रेंड जब आप पोस्ट करोगे ना, तो सर्च का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। वैसे अगर आप ये सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं भरते तो आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता ब्लॉग में जब आप पोस्ट डालते। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, ये तभी आपको इनेबल होगा जब आप डिस्क्रिप्शन भरोगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हमें पोस्ट डालनी है। पोस्ट किस तरीके से डालनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें करना क्या है कि हमें जाना है अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपीराइट मिलेगा, नहीं दोस्तों कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा amarujala.com/jokes, ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट ओपन होगी, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने करोड़ों जोक्स आ जाएंगे, करोड़ों, जी हाँ दोस्तों करोड़ों जोक्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जितने भी लोग आपको, आप इसको देख रहे हो वीडियो को, सभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी पर भी कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इतने सारे जोक्स हैं ना, बहुत ही ढेर सारे जोक्स हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। जैसे कि यहाँ पर हमें एक कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो रैंडमली हमने यहाँ पर ये वाली पोस्ट ओपन कर ली, ठीक है। ये 16 नवंबर को किसी ने पोस्ट की है, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको खुद ही दिखा दूंगा इसका प्लेगरिज्म, ठीक है, कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अब सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक पूरा कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे हम जाके पेस्ट कर देते हैं अपने ब्लॉगर में। यहाँ पर मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये जो ऊपर आ रहा है ना, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से हम, ठीक है। उसका दोस्तों आपको करना है क्या है कि फिर से आ जाना है आपको अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट में, और ऐसे ही करके दोस्तों आपको करीब 1000 वर्ड तक यहाँ पर जो जोक्स हैं उन्हें कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आगे पढ़ें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पढ़ें पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको आना है,
और जितने भी यहाँ पर जोक्स लिखे हैं सारे के सारे आपको यहाँ से कॉपी कर लेने, जैसे कि मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने का हम पेस्ट कर देते हैं इसे फिर से यहाँ पर, ठीक है, एंटर प्रेस करना, फिर से पेस्ट कर देना इसको। दोस्तों नंबर वाइज डाल देना कि फर्स्ट जोक कौन सा था, सेकंड कौन सा था, ये आप यहाँ पर डाल देना। मैं यहाँ पर आपको केवल दिखा रहा हूँ कि आपको जोक्स कहाँ से लेने हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड, जब वेबसाइट थोड़ा स्लो वर्क करती है तो यहाँ पर हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते। कॉपी किया और इसे हमने वेबसाइट में आकर के पेस्ट कर दिए, ठीक है, पेस्ट कर दिए। थोड़ा सा हम एक आध पोस्ट और डाल देते हैं यहाँ पर हम टोटली, तो यहाँ पर हम एक पोस्ट और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको बैक करते हैं यहाँ से, ये वाली हम यहाँ पर जोक्स ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये पूरा जोक्स है, इसे यहाँ से उठाते हैं पूरा। फ्रेंड्स एक मिनट, ये बहुत स्लो वेबसाइट वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम यहाँ से पूरा क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ से किया कि कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर से थोड़ा सा और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी किया, ठीक है। एक और कर लेते हैं आगे पढ़े, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। करीब 1000 वर्ड तो आप यहाँ पर कॉपी कर ही लेना, ठीक है। 1000 वर्ड के अगर आप डेली आर्टिकल डालते रहोगे, डेली जोक्स डालते रहोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर एडसेंस का प्रूफ मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप वेबसाइट बनाओ ना जोक्स वाली, तो उसी दिन आप कोशिश करना कि उसी दिन आप कोई ना कोई TLD डोमेन यूज़ करना, ठीक है। कोई भी डोमेन यूज़ कर लेना, कोई भी डोमेन परचेज कर लेना, जैसे .com .in, ठीक है, यूज़ कर लेना जरूर से। क्योंकि उसी दिन से अगर आप पोस्ट डालना शुरू कर दोगे, डोमेन भी खरीद लोगे, तो आपका डोमेन भी थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो एडसेंस का अप्रूवल मिलता है वो थोड़े से ओल्ड डोमेन पर मिलता है, यानी कि 15 से 20 दिन पुराना आपका डोमेन होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर काफ़ी वर्ड यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, और इन सबको हम कॉपी करेंगे। और मैं जाता हूँ दोस्तों प्लेगरिज्म चेकर में, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट www.dupliceker.com। अधिकांश लोग इसी का ही यूज़ करते हैं, मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने का दिया अभी हमारा 383 वर्ड का ही है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ केवल, बाकी आप 1000 वर्ड यूज़ जरूर करना। अब मैं यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म इस पर हम क्लिक करूँगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले कैप्चा वेरीफाई कर लेना, तो फटाफट से मैं कैप्चा वेरीफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्चा वेरीफाई कर लिया, अब सिंपली यहाँ पर हम चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही चेक कर लेना कि यहाँ पर कितना प्लेगरिज्म निकलता है, कितना नहीं निकलता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म जरूर निकलेगा। अगर आपका 85% प्लेगरिज्म, मतलब 15% प्लेगरिज्म चलता है फ्रेंड, ठीक है। अगर ज़्यादा हो तो आपको यहाँ पर एडिट करना है, वो किस तरीके से करना है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से 10% बिल्कुल भी प्लेगरिज्म, 5 से 10% ही प्लेगरिज्म निकलेगा, बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा प्लेगरिज्म यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा आपका। तो जैसे कि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी स्कैनिंग हो रही है, तो इसको हम होने देते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपका प्लेगरिज्म निकले, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चेक हो रहा है, तो होने देते हैं। अभी 32% यूनिक हो गया, ये 37% हो गया, 42%,
तो इसको हम होने देते हैं, ठीक है, चेक होने देते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, duplicheckr.com, अधिकांश तो लोग इसी का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर 1% भी प्लेगजम नहीं निकला है, 100% यूनिक की सारी हमारी यहाँ पर चीज़ें हैं। दोस्तों अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत प्लेगजम निकल आता है ना, तो आप क्या करना, उस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट कर देना, ठीक है, उस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक दो लाइन का ही यहाँ पर फ़र्क होता है, बस एक दो लाइन में ही आपका जो होगा प्लेगरिज्म निकलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका 90% ठीक है ना, 10% प्लेगरिज्म है, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों आपको सारी की सारी पोस्ट कहाँ से उठानी है, अमर उजाला को बर्बाद कर देना है, ठीक है, अमर उजाला से सारी पोस्ट उठाओ, कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि मैं भी बहुत टाइम से इसी का यूज़ कर रहा था, मैंने करीब एक मंथ पहले इस पर काम किया था और मैंने 4-5 दिन पोस्ट डाली थी और यहाँ पर मुझे गूगल से भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिला था, बट मैंने इस पर वर्क करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम फ्रेंड्स इस टाइम था नहीं और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसके बारे में बताऊँ ताकि आप लोग कोई इस पर वर्क करो और इस पर एडसेंस का अप्रूवल हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस पर डेफिनेटली वर्क कर रहे हो तो इस पर वर्क करते रहना, और दोस्तों जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए ना, तो डेफिनेटली यार एक बार मेरे को जरूर बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि यार कोई मेरे द्वारा बताया गया एडसेंस का अप्रूवल ले ले तो काफ़ी खुशी होती है। बाकी फ्रेंड जितना भी चीज़ आप यूज़ करो ना, सारा जो है वो अमर उजाला से यूज़ करना, यहाँ पर आपके लिए ढेरों जोक्स मिलेंगे, इतने जोक्स हैं कि दोस्तों यहाँ पर आप अपने वेबसाइट डाल डालते परेशान हो जाओगे, मगर यहाँ पर अमर उजाला में जोक्स खत्म नहीं होंगे, बाकी डेली यहाँ पर न्यू जोक्स आते रहते हैं। अब बात रह गई कि इमेजेस कहाँ से यूज़ करना है, तो दोस्तों इमेजेस आपको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। आप मैंने आपसे कहा था ना कि आपको 20 से 30% मेहनत करनी है बस, तो आपको इमेज खुद से बनानी पड़ेंगी। आप अमर उजाला की इमेज बिल्कुल ही मत उठाइएगा। आपको करना क्या है कि आप जिस भी फोटो एडिटर का यूज़ करते हो उसमें जाकर के आपको इमेज क्रिएट करनी है। इमेज किस तरीके से क्रिएट करनी है, आप अमर उजाला से ही हेल्प ले सकते हो, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, ये स्माइली लगा दी है। बाकी फ्रेंड्स आप करना क्या कि आप कोई भी जोक उठाना, उस जोक को अपने इमेज में ही डाल देना, ठीक है, इमेज में डालने के बाद एक स्माइली यूज़ कर देना, ठीक है, एक स्माइली आप लगा सकते हो, और स्माइली लगाने के बाद सिंपली आपको उसको अपने वेबसाइट में डाल देना है। बाकी 1 से 2 यानी कि करीब अपने वेबसाइट में आपको, यानी कि एक पोस्ट के अंदर आपको करीब 5 से 6 इमेजेस ज़रूर यूज़ करनी है, जितने चुटकुले हों उतने ही इमेजेस यूज़ करना। जैसे कि ये हमारा एक जोक हो गया पूरा, ठीक है, तो इसी जोक को आपको करना है क्या है कि इमेज पर इसी जोक को दिखा देना है, उसके नीचे आपको ये जोक लिखना है। इससे क्या होगा कि यूज़र का इंप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, यूज़र जो आएगा उसका इंप्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा। तो दोस्तों जब आप ये कुल मिला करके पूरी वेबसाइट बना लो, पोस्ट डाल लो, 30 से 40 पोस्ट यहाँ पर डाल दो, तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करना, और उम्मीद करता हूँ आप 20 से 25 दिनों के अंदर करीब 40 से 50 पोस्ट डाल दोगे फ्रेंड्स, क्योंकि सारा काम यहाँ पर कॉपी पेस्ट का है। तो जितना ज़्यादा हो सके डेली करीब 2 से 3 पोस्ट डालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर करीब 40 पोस्टें पड़ जाती हैं 20 दिनों के अंदर या 25 दिनों के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल डेफिनेटली मिल जाएगा। तो जो भी लोग इस पर वर्क करना चाहते हैं वर्क कीजिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वेबसाइट बनने के बाद कुछ स्टेप्स आपको दिखने लगेगी, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ये सारा काम आप खुद ही कर सकते हो, अगर मैं बताने बैठ गया तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। बाकी फ्रेंड जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको जरूर गौर से ध्यान दीजिएगा कि जिस भी फोटो एडिटर का आप यूज़ करते हो ना, उसी का यूज़ करें, और जो भी आप चुटकुला लिख रहे हो, जो भी जोक लिख रहे हो, उसको पूरा कॉपी करें और उस इमेज पर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपको उस इमेज के नीचे ही ये जोक लिखना है जो भी आप लिख रहे हो, बाकी नंबर डाल देना कि कौन सा नंबर का जोक है, ठीक है, और प्लेगरिज्म जरूर चेक करते रहना। अगर आपका 90% ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर एक आध लाइन में प्लेगरिज्म आ भी रहा है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंस निकलना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। बाकी फ्रेंड जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। बाकी फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग करंट अफेयर्स वाली वेबसाइट बना करके उस पर एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, जिस पर फ्रेंड्स मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेना, और दोस्तों कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह ये पेजेस बनाना बिल्कुल ही मत भूलना, और ये फुटर को क्रेडिट कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी वर्क कीजिए फ्रेंड धड़ल्ले से और एडसेंस का अप्रूवल लीजिए, ऐसी ट्रिक्स मैं आपके साथ डेली शेयर करूँगा, बस आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहना चाहिए मेरे साथ, बस, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड जल्दी से यार 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, एंड आई होप फ्रेंड्स आप करा दोगे, ठीक है। तो जो भी दिक्कत आ रही कमेंट करके पूछ लेना, और दोस्तों एक बात और, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर सब कुछ शेयर करता हूं मैं आपके साथ। तो हम फ्रेंड्स मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।